मैं पंडित हूँ, मैं चारों लोग मर जाऊंगी यहाँ पे। पंडित होने का इतना बड़ा गुनाह तो मैं चारों मरेंगे यहाँ पे। एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर समय पुलिस मुझे सता रही है, हर समय सता रही है पुलिस। कोई गलती करता है तो माँ बाप को बताया जाता है कि बच्चा ये गलती करता है तुम्हारा, पकड़ करके लाते हैं, गिरोह बंदी करते हैं अपना खुद और दूसरे को बदनाम करते हैं। कासगंज के सदर कोतवाली परिसर में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक महिला ने अपने हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा कर दिया। महिला ने अपने बेटे को पुलिस पर झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि उसके बेटे को 5 दिन पूर्व कासगंज जिले की गंज डुडवारा पुलिस ने उठाया था और जब महिला ने अपने बेटे का आरोप पूछा तो पुलिस ने महिला को बताया नहीं और पीड़िता के बेटे को कासगंज पुलिस गंज डुडवारा से कासगंज कोतवाली ले आई। वहीं पीड़ित महिला अपने हाथों में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर कोतवाली कासगंज पहुंच गई, जहां महिला ने अपने बेकसूर बेटे अनमोल उपाध्याय को कासगंज पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली कासगंज के प्रभारी राजीव सिरोही पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर लेगी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, हर समय पुलिस मुझे सता रही है, हर समय सता रही है पुलिस। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप को बताया जाता है कि बच्चा ये गलती करता है तुम्हारा, पकड़ करके लाते हैं, गिरोह बंदी करते हैं अपना खुद और दूसरे को बदनाम करते हैं। आप पेट्रोल लेके क्यों पहुंची हैं यहाँ पर? इसलिए पहुंची हूँ शाम तक मेरे साथ न्याय हो ना मैं मर जाऊंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मरेंगे यहाँ पे। कोतवाली कोई नहीं सुनता, 5 दिन तक तड़प रही हूँ मैं बिना खाना खाए पिए। तो कोतवाली में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं, ना गणेश चौहान ने कुछ बताई ना किसी ने बताई सर, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, सब जगह मेरे ताले खटखटाए हैं, सब जगह फोन करे हैं, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। तो आपके बेटे को किस आरोप में फंसाया जा रहा है? मुझे पता ही नहीं है सर, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो रिपोर्ट करने गई दूसरे की और उसी से पूछ रहे हैं कि बता जी कौन, बताइए सर, उसकी रिपोर्ट लिखी है ना, FIR लिखी है ना, कुछ भी हुआ सर। कितने दिन से आप भटक रही हैं इधर से? सोमवार से लेके आज तक कोई अभी तक कुछ नहीं पता, कोई सुनवाई नहीं, कुछ पता नहीं क्या आरोप है क्या आरोप नहीं। आज लड़का मिला है मुझे यहाँ पे सदर कोतवाली में। तो क्या कह रहे हैं सदर कोतवाली प्रभारी? सदर कोतवाली मैं आज मिली इंस्पेक्टर साहब से, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कही कि आपके कितने बच्चे हैं, मैंने ये दो बेटी दो बेटा, कि आज से ये भूल जाओ कि तुम्हारा एक बेटा और है, एक ही बेटा याद रखना, ये तुम्हारा एक बेटा नहीं है। क्यों? तो मैंने कि सर आप इसने गुनाह क्या किया है? तो बोले मैं खुद मुँह पे कहलवा दूँ, मैंने बुलाई सर, जब बुलाया गया अनमोल को तो अनमोल बोला मम्मी मैंने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, तो इंस्पेक्टर बोला साले भोसड़ी वाला तुझे ही देखूंगा। तो जबरदस्ती मामले में फंसा रहे हैं आपके बेटे? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती मामले फंसा रहे हैं, और नहीं फंसा रहे तो मुझे बताइए ना, मैं माँ मैं खुद लिख कर दूंगी, क्या मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं है। वहीं पीड़िता महिला का कहना है कि हमारा पंडित होना गुनाह है, तो परिवार के चारों सदस्यों सहित कोतवाली में ही आत्महत्या कर लेगी। और कह रहे आज से पूछा तुम्हारा एक लड़का जिंदा है, एनकाउंटर कर देंगे मार देंगे, मुझे बताया कि सही है सर, अरे मुझे पता लगा कि मेरा लड़का खुलेगा तो मैं खुद लिख के दे दूंगी कि मेरा लड़का मिला, मेरे से मतलब नहीं, मेरा कसूर नहीं, मर ले दूंगी अपने बच्चे पे। क्या नाम है आपके बच्चे को? अनमोल उपाध्याय, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये कह रहे चरस लगाएंगे गांजा लगाएंगे। कितने उम्र? 20 साल। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरे प्रदेश में जिस तरह से ठाकुर बात और पंडित बात का वो चल रहा है, हाँ, उसी में फंसाया जा रहा है मेरा लड़का। तो कहीं ना कहीं पंडितों पर आतंक हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है सर। अगर आपके तो मैं पंडित हूँ, मैं चारों लोग मर जाऊंगी यहाँ पे, पंडित होने का इतना बड़ा गुनाह तो मैं चारों मरेंगे यहाँ पे चारों। अगर आपको इंसान नहीं मिला तो क्या रोकम लाएंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, कैसी मरने से बेहतर मौत है हमारी जिंदगी बंद कर दी पुलिस वालों ने। वही महिला का आरोप है कि 5 दिन पहले से पुलिस उसके बेटे को गिरफ्तार करके उसके साथ मारपीट कर रही है और पुलिस के द्वारा महिला को कुछ बताया नहीं जा रहा कि आखिर उसके बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट।